मध्य प्रदेश के द्वितीया में कल यानी 9 अप्रैल को वहां के जो गृह मंत्री हैं, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए, अक्सर नहीं बल्कि एक ऐसा कहा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है चीफ मिनिस्टर ने कि दिन में दो बार आकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, और वो इस काम को बखूबी बिना किसी छुट्टी के हफ्ते के सातों दिन, महीने के 30-31 दिन ये काम वो लगातार 2018 से जब से सरकार बनी है, 2018 में तो एक साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से जब से ये सत्ता में आई है इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, 2018 में विधानसभा इलेक्शन हुए थे और मिश्रा जी जो हैं सिर्फ 2656 वोट से जीते थे, और होम मिनिस्टर बनने के बाद वो लगातार जिस तरह के बयानात मुसलमानों के खिलाफ वो देते रहे हैं, ऐसे में उनके ज़रिए एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, बाकायदा लोगों का स्वागत करते हुए मिश्रा जी नज़र आए और दाढ़ी टोपी वालों को से हाथ मिला करके उनका स्वागत कर रहे थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि सैकड़ों की संख्या में इलाके के मुसलमान वहां पर पहुंचे, द्वितीया इलाका है मध्य प्रदेश का, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने इफ्तार पार्टी में शमूलियत की, शामिल हुए और कसीदे पढ़े मंत्री जी के। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात उन मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं जो इस पार्टी में मौजूद थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि दगाली खाते हो लगातार, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, और आपको याद होगा कि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने एक चूड़ी वाले को जब गिरफ्तार किया गया था, उसको पीटा गया था, और बात ये सामने आई थी कि उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है, और उसके बाद उसके ऊपर जिस तरह के अचानक से फिर रेप का आरोप उसके ऊपर लगाया गया एक नाबालिग के साथ, तो ये तमाम प्लानिंग जो की गई थी वो इसी मंत्री के ज़रिए, होम मिनिस्टर के ज़रिए वहाँ पर की गई थी। और यही वो शख्स है जो एंटी कन्वर्जन ला लेकर आया और डिमोलिशन किया गया जो खरगोन में जो दंगा हुआ था, दंगे में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद मुसलमानों के घरों को ही डिमोलिश किया गया था, वो इसी के ज़रिए किया गया था। उज्जैन और इंदौर में भी जो दंगे हुए थे उसमें भी इसका पूरा हाथ था, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कौम के इन लोगों को देखिए जो उनके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और जो इस दावत इफ्तार का लुत्फ उठा रहे हैं। इत्तेहाद का सबूत देना है, एक होने का सबूत देना है, अल्लाह के रास्ते में एक रहने का सबूत देना है। इसलिए मेरे भाई ये वक्त बड़ा ही कीमती है, इस वक्त की कदर करें, सबके लिए दुआ करें, और जिन हजरात ने, जिस हस्ती ने हम सबको एक वक्त इस वक्त में जमा होने का मौका दिया उसके लिए भी दुआ करें।